उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चाहे भले ही आखिरी चरण में प्रवेश कर चुका हो, लेकिन नेताओं का दल बदल लगातार जारी है। बीजेपी अपर्णा यादव को साथ लेकर समाजवादी पार्टी को चोट करने की कोशिश कर रही थी और बीजेपी समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की बात कहती थी, लेकिन अब बीजेपी के ही कद्दावर नेता के बेटे ने समाजवादी पार्टी में एंट्री क्या ली कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई। आपको याद ही होगा कि रीता बहुगुणा जोशी, जो कि बीजेपी की प्रयागराज से सांसद हैं, उनके बेटे मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। और आज मयंक जोशी ने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी में औपचारिक तौर पर एंट्री ले ली, जिसका ऐलान अखिलेश यादव ने खुद किया और अखिलेश यादव ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि अब समाजवादी पार्टी को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही साथ मयंक जोशी के आने से तमाम नेताओं का मनोबल बढ़ेगा। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी बीजेपी को बाय बाय कह सकती हैं और समाजवादी पार्टी में कभी भी शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को एक बड़ा झटका देने में कामयाब हो जाएगी और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव तक देखने को मिलेगा। देखना यह है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सच साबित होंगे या नहीं। फिलहाल मयंक जोशी के समाजवादी पार्टी में आने पर सपाई काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही कहा कि इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सपा की सरकार बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। साथ ही मंच पर मौजूद मयंक जोशी का हाथ पकड़कर कहा कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी भी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मयंक के आने से पार्टी के नेताओं का मनोबल बढ़ेगा। बता दें कि कुछ समय पहले प्रयागराज की बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें खुद सपा प्रमुख ने शेयर की थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि मयंक जोशी सपा का दामन थाम सकते हैं। पिछले दिनों बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के सपा में आने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके सपा में शामिल होने पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनके बेटे की हमारे साथ मुलाकात हुई है। इस वक्त समाजवादी पार्टी का प्रयास अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए पूरा प्रयास किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि मयंक जोशी 2009 से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने लखनऊ कैंट सीट से टिकट के लिए आवेदन किया है। अगर पार्टी ने प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति को टिकट देने का फैसला किया है तो मयंक को टिकट मिलने पर मैं अपनी वर्तमान लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दूंगी। यूपी की राजधानी लखनऊ की कैंट सीट से बीजेपी ने राज्य मंत्री ब्रजेश पाठक को उम्मीदवार बनाया है, जहां पिछले चरण में मतदान हो चुका है। वैसे इस सीट से मयंक जोशी के अलावा मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी टिकट पाने की उम्मीद करके बैठी थीं, लेकिन अपर्णा यादव को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी मयंक जोशी को टिकट दे देगी, लेकिन मयंक जोशी को भी टिकट नहीं मिला, जिसके बाद मयंक जोशी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और जो काफी चर्चाओं में भी रही थी। और अब मयंक जोशी सपा में आ चुके हैं तो एक बार फिर बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।